पाइथन वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे अनपैकिंग टपल्स। जैसा कि आप जानते हो कि टपल पाइथन में एक बहुत ही पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि रीड ओनली होता है या और यू कैन से इमोटेबल होता है। एक बार आपने टपल क्रिएट किया तो उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। यस, वर्क अराउंड होता है उसे चेंज करने का, टपल को लिस्ट में चेंज करके तब उसमें कुछ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनपैकिंग अ टपल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि अनपैकिंग अ टपल क्या होता है। सो व्हेन वी क्रिएट अ टपल वी नॉर्मली असाइन वैल्यूज टू इट, दिस इज कॉल्ड पैकिंग अ टपल, राइट। इन पाइथन वी कैन ऑल्सो अलाउ टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज बैक इन टू द वेरिएबल्स, दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास फ्रूट्स एक टपल है जिसमें लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है, राइट। इसको मैं प्रिंट करूंगा एज इट इज, तो इस तरह से ये एज ए टपल प्रिंट कर रहा है। ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है, ये राउंड ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये टपल है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको अनपैक करना, इसको पैकिंग बोलेंगे जब क्रिएट करते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ लेट से कि कुछ वेरिएबल लिख देता हूँ लाइक ग्रीन, लेट से येलो एंड रेड, राइट। तीन वेरिएबल लिखा और मेरा जो टपल है उसमें तीन वैल्यूज हैं, राइट। और ये जो टपल है इसको मैं असाइन कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग, राइट। अब मैं प्रिंट करूँगा लाइट लेट से कि ग्रीन, देन लेट मी प्रिंट येलो, येलो and then I'm going to print read as well, right, read. Now if I run, then let's see what's the output. So look at the here, abhi green mein kya store ho gaya, jo tuple ka pehla item hai wo store ho gaya, apple. Yellow mein kya store ho gaya, jo second item hai banana, right. And read mein kya store hua, cherry, right, which is the third item. To yahan aapko jitne variables humne liye utna hi values hai tuple mein, aur एक एक वैल्यू हर एक वेरिएबल में असाइन हो गया सीक्वेंसली, जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल दिया उसी ऑर्डर में इसमें वैल्यू से पिकअप करके इसमें डालते चला गया। यहाँ पे एक चीज़ ऑप्शनल होता है, यहाँ पे आप चाहो तो राउंड ब्रैकेट वेरिएबल के साथ भी यहाँ लगा सकते हो, व्हिच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, राइट। बट रीडेबिलिटी पर्पज के लिए ये सही होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि यदि क्या ये प्रोसेस काम करेगा जब नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है ना, नंबर ऑफ वैल्यू ज़्यादा है नंबर ऑफ वेरिएबल से, नहीं काम करेगा आपको। जैसे अभी मैं यहाँ लेट से कि फिर से मैं एक और क्रिएट करता हूँ टपल, लेट से कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टपल लेट से फ्रूट्स टू व्हिच आई एम प्रिंटिंग एज इट इज। यहाँ मैं लेट से एक और आइटम ऐड करता हूँ स्ट्रॉबेरी, राइट। और मैं यही प्रोसेस अपनाता हूँ, इज दिस गोइंग टू वर्क, लेट मी चेक आउट। सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू असाइन फ्रूट्स टू, राइट। और फ्रूट्स टू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ और इधर मैंने तीन वेरिएबल लिया लेकिन हमारे टपल में फोर वैल्यूज हैं। अब मैं रन करूँगा तो इट इज़ थ्रोइंग एन एक्सेप्शन सेइंग दैट एरर, वैल्यू एरर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। मतलब इधर जो वैल्यूज है काफ़ी ज़्यादा है इधर जो वैल्यूज है वो काउंटिंग में नंबर ऑफ वेरिएबल से ज़्यादा है, यही वजह है कि अनपैक नहीं हो पा रहा है। तो इसका वर्क अराउंड क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप ये जो वेरिएबल है किसी में एक वेरिएबल में आप एस्ट्रिक्स डाल दो उसके पहले, लेट्स से कि लास्ट एलिमेंट मैंने एस्ट्रिक्स डाल दिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब कैसे सॉल्व करेगा कि ग्रीन में ये डालेगा एप्पल, येल्लो में डालेगा सेकेंड आइटम बनाना, और उसका जितने भी रेस्ट आइटम है उसको एज ए लिस्ट रेड में डाल देगा। लेट मी सो यू, लुक एट हियर। सो पहले मैंने क्या किया, टपल को एज इट इज प्रिंट किया, उसके बाद ग्रीन को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो उसमें एप्पल है, येल्लो को प्रिंट किया तो बनाना है, और बाकी एस्ट्रिक्स रेड है तो रेड में चेरी और स्ट्रॉबेरी एज ए लिस्ट उसने डाल दिया। तो इस तरह से अनपैक कर सकते हो। नाउ देर मस्ट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये एस्ट्रिक्स मैं किसी और वेरिएबल के आगे डाल दूँ, तो ऑफ कोर्स यू कैन कीप दिस एस्ट्रिक्स
बिफोर सम अदर वेरिएबल, लेट्स से कि मैं येलो के आगे डाल दिया, तो कॉमन सेंस है कि कैसे अनपैक करेगा। अब कैसे अनपैकिंग होगा कि ग्रीन में एप्पल डालेगा और एस्ट्रिक्स येलो है, तो अब येलो में सेकेंड आइटम से लेके यहाँ तक डाल देगा, राइट, क्योंकि पाइथन को पता है कि आगे एक ही वेरिएबल है, राइट। तो बनाना और चेरी एज ए लिस्ट येलो में डाला जाएगा और रेड में आपको स्ट्रॉबेरी चला जाएगा। लेट मी शो यू, एंड हियर इज द रिजल्ट, व्हाट एवर आई सेड रिजल्ट इज द सेम, राइट। अब एक और केस बच गया, राइट, कि एस्ट्रिक्स नहीं, एक और केस नहीं बचा, सारे केसेस मैंने कंसीडर कर लिए, राइट। ये लास्ट में डालता सिकेला, हाँ फर्स्ट में डाल देगा तो क्या होगा, लेट से कि हाँ एक केस तो पेंडिंग है अपन का, तो वो भी देख लेते हैं कि एस्ट्रिक्स मैंने डाल दिया यहाँ बिगनिंग में ही डाल दिया, राइट, और रन करूँगा तो अब क्या होगा कि वो लेट से राइट से रेड में क्या असाइन कर देगा, स्ट्रॉबेरी, और येलो में असाइन कर देगा चेरी, अब बाकी जितने भी लेफ्ट में बचा हुआ है वो सभी को ग्रीन में वो डाल देगा। लेट मी शो यू, एंड हियर इज द रिजल्ट, राइट, जो मैंने कहा वही है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मोर देन वन एस्ट्रिक्स डाल सकते थे, ये नहीं डाल सकते, ऐसा करोगे तो पाइथन एक्सेप्शन थ्रो कर देगा क्योंकि उसको अनपैकिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। मल्टीपल स्टार्ड एक्सप्रेशन इन असाइनमेंट, ऐसा एक्सेप्शन आ जाएगा, सिंटैक्स एरर दे देगा आपको, राइट। दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। तो दोस्तों आपने देखा कि पाइथन में टपल अनपैकिंग क्या होता है और इसके क्या एडवांटेज है, राइट, किस सिनेरियो में हमें टपल अनपैकिंग यूज करना चाहिए, हमारे पास टपल ऑलरेडी हो और उसको अलग अलग वेरिएबल है, मुझे एक्सट्रैक्ट करना हो, राइट, अनपैक करना हो, तो इस फीचर का हम यूज कर सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादातर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, इस पर बहुत सारी टेक्निकल वीडियोज़ आपको देखने और सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।